साहब बहुत गड़बड़ हो गया भाई। जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग स्टार्ट्स टुडे। ओके, एक चीज मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ये डॉक्यूमेंट होता रहे। हाँ। क्योंकि सिंस एक्सट्रीम ट्रॉमा है अभी मेरे लाइफ में। हाँ। तो मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड एवरी डे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि 28 साल में मैंने कभी भी सेल्फ हीलिंग नहीं किया, कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इन अ वे वो बहुत सैड लगता है मेरे को, कि मेरे को बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था तो मेरे को अभी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि लाइफ में इतना आगे आ गया कि एक पॉइंट आ गया जब आज मेरे को समझ ही नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था सुबह से जब तक जिम में था, एकदम हाईली मोटिवेटेड। जिम से आने के बाद एकदम इरिटेशन होने लगा, एकदम अनॉय हो गया, एकदम डिप्लीशन इन एनर्जी आ गया। अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि वो मेरे लेग वर्कआउट के वजह से है या मेरे ट्रॉमा के वजह से है। समझ में आ रहा है? तो आई एम जस्ट होल्डिंग अप, यू नो, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि अपने आप को पुश कर सकूँ, अपना माइंड डाइवर्ट कर पाऊँ, क्योंकि ये एज नहीं है या राइट टाइम नहीं है जब मैं शांति से बैठ के घर पे अपना टाइम देके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं है। ठीक है, बट मेरा जॉब ऐसा है, मेरा काम ऐसा है कि मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा काम ऐसा है कि मेरे को घर पे बैठ के और वियर्ड थॉट्स ना आए और मेरा दिमाग, मेरा मेंटल हेल्थ और ख़राब ना हो। इसके लिए मेरे पास है कुछ चीज़, है ना। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ यहाँ पर हूँ मैं। आई विश कि सबके पास ये ऑप्शन हो, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो लोग को उनके मेंटल हेल्थ और उनके डार्क टाइम्स में उनको जो भी चाहिए भगवान वो सब उनको प्रोवाइड करे। मेरा दिल से इच्छा है, तुमको अकेला रहना है तो तुमको अकेला टाइम मिले, तुमको दोस्तों की ज़रूरत है तुमको दोस्त मिले, तुमको बाहर काम की ज़रूरत है तुमको काम मिले। मैं दिल से दुआ करता हूँ एक डार्क साइडेड बॉय दूसरे डार्क साइडेड बॉय या गर्ल के लिए ये दुआ करता है आज, है ना। इसी के साथ अपन ये व्लॉग को चालू करते हैं, ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बोला तो आप सारे कैसे, बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सिंस मैं एकदम डिप्लीटेड हूँ, एकदम ज्यादा लो ऑन एनर्जी हूँ, तो हमने सोचा कि हमारा एक काम है, एक इवेंट पे हमको जाना है, बट उससे पहले हम लोग जाएंगे पपी योगा, क्योंकि दे हैव हीलिंग पावर, है ना। लास्ट टाइम मैं जब भी गया था तभी मैं बोला था मैंने जैसे कि मेरे को ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैं लास्ट संडे को ही, कितना वियर्ड है कि लास्ट संडे को मैं ये मेंटल स्टेट में नहीं था कि मैं समझ पाऊँ। लास्ट संडे से ये संडे में मेरा मेंटल हेल्थ एकदम चेंज हो गया। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स गो, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट द डे विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। गाइस, मेरे मामा इतना शार्ट बात करते हैं कि मैं बताना भूल गई कि मैंने बाल कटवाए। गए और बड़ा नाइस लग रहा है तुम्हारा बाल। थैंक्स। आंटी ने भी बाल कटा और आंटी एरन येगर लग रही है। हाँ। चलो निकलते, मेरे को कॉफी पीने का जरूरत है, क्योंकि कॉफी के बिना कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। फक इट, हैव कॉफी, हैव कैफीन, लोड्स एंड लोड्स ऑफ कैफीन, एकदम अनहेल्दी एडवाइस है। ये कॉफी का नाम है हू द गबरू। मुझको तो तुम ही लग रहे, यू द गबरू। 20 मिनट्स एंड आई विल बी गुड।
पीओ का ख़त्म हो गया. बहुत बहुत ज़्यादा नाइस एक्सपीरियंस था, एकदम ऐसा रिज्यूविनेटेड लग रहा है. बट हम लोगों को सैडली भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक दूसरा इवेंट है, इन्फ्लुएंसर इवेंट. और ये हमारा, और ये मतलब हमारा ऐसा पार्ट ऑफ बिजनेस है, मतलब जाके सोशलाइज करना पड़ेगा. इवन तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक घंटा और बैठ के पपीज़ के साथ खेल पाएँ, बट वो नहीं पॉसिबल है. नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने थोड़ा सा लेट सीखा बट सीख लिया. तो मम्मा ने अभी गाड़ी से हमारे कपड़े लेने गए, जो हमें फट से चेंज करके यहाँ से निकलना पड़ेगा. तो या यू हॉप फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर एंड हु डू यू मीट? द बॉय इज हियर. ये ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेंगे, ही रैप्स. यप. समझदार सबसे ऊपर ही होपफुली. बट आगे फिट चेक दिखा लेते हैं. अच्छा किया मोहम्मद ने मेरे को छुपा के. थैंक्स. अच्छा लगता है जब लोग मेरे टैलेंट को छुपाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. दिस इज लाइफ. चालू किया था और आज वेडनेसडे है, जब भी मैं ब्लॉग ख़त्म कर लूँ. और इन 3 दिनों में बहुत कुछ हो गया, मतलब अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, इमोशनली वीक चीज़ें भी हुई, मतलब बेसिकली अ लॉट ऑफ लाइफ हैपेंड है ना. और जैसे मैंने मेंशन किया था कि लोगों को एनिमल्स को मिलके या कुछ भी चीज़ को मिलके ऐसा अच्छा लगता है, उनको ऐसा थेरेप्यूटिक लगता है. बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लेके इतना हेडस्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरे को पता है कि क्या चीज़ गलत हो रहा है, क्या चीज़ सही हो रहा है. तो ये सब टेम्परेरी गेट अवे से मेरे को मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे को एकदम अच्छे से पता है कि दिस इज़ टेम्परेरी. जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये थेरेपी या ये जो भी चीज़ है, ये टेम्परेरी है. तो इसीलिए मेरे लिए वो वर्क नहीं करता. और वही बोलोगे यार कि मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि पहले की सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो एकदम प्रिटी होता है, कि मतलब हाँ सेल्फ केयर सेल्फ हीलिंग, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब मैं तो पूरा टाइम ऐसा प्यूकिश रहता हूँ, पूरा टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रेन्ड हूँ. प्रोफेशनली एकदम नाइस जा रहा है लाइफ, पर्सनली एकदम लॉस्ट फील करता हूँ. और मेरा एक चीज़ अच्छा है कि मतलब मैं प्रिटेंड करने में इतना अच्छा होगा कि तुमको कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं अंदर से खुश हूँ या मैं सैड हूँ, है ना. बट एक चीज़ मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी मेरे से आके मिलता है तो मैं कभी भी अपना एनर्जी उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, स्पेशली सैड एनर्जी, है ना. क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को
मिलके बोलते हैं कि भाई आप बहुत पॉजिटिव लगते हैं, आपसे मिलके एकदम फ्रेश फील करते हैं हम लोग। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वही चीज़ मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये मेरे को बड़ा रेयरली मिलता है किसी ह्यूमन बीइंग में। मैं किसी को मिलके ऐसा बहुत फ्रेश फील करता हूँ, और अगर किसी को मेरे में ये एनर्जी मिलता है तो मैं मतलब फॉर लाइफ वो मेंटेन करके रखना चाहूँगा। आई एम वेरी हैप्पी, है ना। बाकी और तो कुछ नहीं, दिस इज ए जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग। एंड ऐसा अभी मैं सैड नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि अभी मैं बीमारी से बाहर आया और ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हूँ। बट एनी वेज, इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ गुड ब्लॉग, इट वॉज अ गुड वीक। आई एम वेरी हैप्पी टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड मूव ऑन विथ माई लाइफ, है ना। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हो सब लोग को ये पावर मिले, और सब लोग को वो सब चीज़ मिले जो उन लोग डिजर्व करते हैं और जो विश करते हैं, क्योंकि मेरे को और मेरी फैमिली को मिल रहा है ना। अगर मेरे को और मेरे फैमिली को मिल रहा है तो तुमको भी मिलना चाहिए। लेकिन बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता, तुम लोग क्या करते, तुम लोग ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हुआ, अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, सी यू, बाय, पीस। चलो जिया लागे ना तोरे बिन मोरा जिया लागे ना, हेल्प 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 परिये मन मायूस है बहुत, कर देता हूँ बाय, सीधा लबो को लबो पे लगाओ। लगाने का जरूरत नहीं है, तुम सजाओ।